ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का मध्य भाग, इस संबंध में ग्रह गणना क्या कुछ कह रही है वो आपको अवगत कराने के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। देखिए, जुलाई का जो महीना है वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई ग्रहों का परिवर्तन हुआ, जैसे आपने अभी देखा शनि मंगल का टकराव आरंभ हो गया 1 जुलाई से, और उसके बाद कई ग्रह परिवर्तित हुए, शुक्र परिवर्तित हुए, अभी सूर्य परिवर्तन होने जा रहा है, बुध उदय होने जा रहे हैं। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट परिवर्तन हैं ये कई प्रकार से महत्वपूर्ण राशि में आपकी राशि के अनुसार स्थान रखते हैं। और कुंभ राशि में शनि इस वक्त ऑलरेडी चल रहे हैं लेकिन वक्र स्थिति में चल रहे हैं, सामने मंगल चल रहे हैं, तो ऐसे में यदि आप बड़ी सावधानी के साथ काम नहीं करेंगे तो कहीं फंस सकते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, हर कदम को सावधानी के साथ उठाने का प्रयास कीजिए। जुलाई का मध्य भाग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें सूर्य का परिवर्तन आपकी राशि के अनुसार से होगा और आपकी राशि के अनुसार से सूर्य का परिवर्तन जहाँ होगा वो सब आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने के योग बनाने वाला है आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 जुलाई की। 11 जुलाई को मंगलवार का अवसर है, नवमी तिथि है सावन के कृष्ण पक्ष के महीने की, और साथ साथ जो चंद्रमा है आपकी राशि के अनुसार से यदि हम 11 जुलाई की बात करें तो आपके लिए बड़े अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का योग जिस प्रकार से बना हुआ है, राहु वहाँ बैठकर कई प्रकार से संपर्कों से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और धन लाभ की स्थिति बन सकती है पराक्रम के द्वारा। केवल गुस्से को कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे चंद्रमा बृहस्पति के साथ आने के कारण से गुस्से में शांति तो लाएगा लेकिन फिर भी एग्रेसिव नेचर लगातार बनी रहेगी। उससे आप यदि शांत रहते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बन सकती है। गणमूल नक्षत्र इस दिन विद्यमान है और साथ साथ इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। ये सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह करीब करीब जल्दी 5:30 बजे के से लेकर शाम को 7 बजे तक विद्यमान रहेगा, तो इसका लाभ आप ले सकते हैं पूरे दिन, क्योंकि इसके बाद 2-3 दिन सर्वार्थ सिद्ध योग नहीं बनने वाला है। तो आप इसका लाभ लेते हुए नया कार्य कोई आरंभ करना है तो उसको आरंभ कर सकते हैं। वहीं हम बात करें 12 जुलाई की, तो उस दिन बुधवार का अवसर है, दशमी तिथि है और चंद्रमा की स्थिति वैसे ही बहुत शुभ बनी हुई है। चंद्रमा बृहस्पति के साथ जिस प्रकार से योग बना रहा है, लेन देन में लाभ के योग बना रहा है, धनागमन के योग बना रहा है और कई प्रकार के नए व्यक्तियों से मुलाकात करने के योग बना रहा है, लेकिन नया कार्य शुरुआत करने के लिए ये दिन अच्छा नहीं है आपकी राशि के अनुसार से, क्योंकि इस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह सुबह 5:55 से लेकर शाम के करीब करीब 6 बजे तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो नया कार्य आरंभ करने से आपको बचना चाहिए। यदि 13 जुलाई की यदि हम बात करें तो इस दिन बृहस्पतिवार का अवसर और उस दिन एकादशी तिथि और चंद्रमा बहुत ही शुभ योग बना रहा है आपके लिए। वृषभ राशि में सुबह सुबह 4 बजे के आसपास वृषभ राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। कामदा एकादशी बृहस्पतिवार को जब पड़ती है तो कहा जाता है समस्त प्रकार से पुण्यों को उदय करने वाली है। इस दिन संत महात्माओं के निमित्त वस्त्रों का दान करना बड़ा कल्याणकारी माना जाता है और व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु का विधि विधान के अनुसार से शालिग्राम जी का पूजन करना चाहिए। ग्रह गणना आपके लिए बड़ी उचित दिखाई देती है और विशेष तौर पर आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा चतुर्भाव में सुख भाव में जो प्रवेश कर रहे हैं, स्वग्रही होकर उच्च के होकर वहाँ बैठेंगे, वो बड़ा कल्याणकारी योग बनाएंगे। उच्च के चंद्रमा वृषभ राशि में जब होंगे बड़े शुभ हो जाएंगे, आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएंगे। तो ऐसे में जैसा हमने कहा, भगवान विष्णु का पूजन करें, चरणामृत उनका ग्रहण करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 14 तारीख की यदि हम बात करें तो इस दिन विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि और साथ साथ प्रदोष व्रत का योग बन रहा है। प्रदोष व्रत सावन के महीने में तो और श्रेष्ठता उत्पन्न करता है, तो ऐसे में इस शुभ मुहूर्त का लाभ, बड़ा लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का सुंदर अवसर। कहा जाता है कि ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए इस दिन जो व्रत रखते हैं, भगवान शिव का पूजन करते हैं, पार्वती जी का पूजन करते हैं, शिव पर बिलपत्र अर्पित करते हैं, महालक्ष्मी उन्हें शुभ का वरदान देने का शुभ योग बनाती है, तो ऐसे में आप लाभ लेने का प्रयास करें। ग्रह योग आपके अनुकूल हैं, लाभ की स्थिति बनी हुई है, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि बेकार के झगड़ों से आपको बचने का प्रयास करना है। दूसरों के मामले में टांग ना अड़ाएं, जो काम कर रहा है वो करने दें। आप बीच में बिल्कुल किसी भी स्थिति में कोई आपको लाख बुलाए मत जाइएगा, अन्यथा आप भी कहीं फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। यदि हम 15 तारीख की बात करें तो इस दिन शनिवार का अवसर और मासिक शिवरात्रि का योग बन रहा है। ये देखिए आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर योग बन रहा है इस दिन। ऐसे में शनिवार का अवसर, शनि आपके लग्न में चल रहे हैं और साथ साथ वक्र स्थिति में हैं, तो बड़ा शुभ एक काम कीजिएगा। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव पर जो जल चढ़ता है, कावड़ की स्थिति है, अनादिकाल से इस सुंदर योग का लाभ लोग लेते आए हैं,
रामेश्वरम से तीर्थ जलों से जल लाकर भगवान का अभिषेक अपने घर के भगवान पर उनका नित्यपति अभिषेक करने का सुंदर योग बनता है। तो ऐसे में श्रावण की मासिक शिवरात्रि बड़ी कल्याणकारी होती है। तो आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि शनि महाराज थोड़े से वक्र स्थिति में आपके लिए, तो तांबे के लोटे में थोड़ा जल लेकर उसमें तिल डालिए और उसके द्वारा ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। वैसे बुध का जो उदय होने का योग बन रहा है आपके लिए थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है, आपके व्यर्थ ऐसा हो सकता है कि आपका धन जो है आपके हाथ से निकल जाए, तो अपने धन को पकड़ के रखने की ज़रूरत है, अन्यथा बेकार की जगहों में अन्य लोग आपको इन्फ्लुएंस करके आपसे धन थोड़ा सा खर्च करा सकते हैं, तो उससे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि हम 16 तारीख की बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि और संक्रांति का योग पड़ रहा है। वैसे तो संक्रांति अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास रहेगी, लेकिन सूर्योदय से पहले रहेगी, इसीलिए विशेष तौर पर संक्रांति का पुण्य अगले दिन है, लेकिन संक्रांति रविवार को पड़ रही है तो हृदय नाम का योग बन गया है। रविवार के दिन संक्रांति के दिन जो योग पड़ता है उसको हृदय योग बन जाता है। तो ऐसे में भगवान का अभिषेक करना चाहिए, जलाभिषेक विशेष तौर पर भगवान सूर्य का, विशेष तौर पर अर्घ्य देने की व्यवस्था करें, भगवान शिव पर अर्घ्य दें, थोड़ा सा उसमें आपकी राशि के अनुसार से श्रेष्ठ यही रहेगा, थोड़ा मीठा जल में डालकर पीला पुष्प उसमें अर्पित कर भगवान को गायत्री मंत्र से या ओम घणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए उनका अभिषेक करें, आपके लिए कल्याणकारी योग अवश्य बनेंगे और सुंदर योग बनेंगे। चंद्रमा आपके लिए बड़ा शुभ है, प्रशस्त है, और सूर्य के साथ जिस प्रकार से योग बना रहा है पूरे दिन वो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा, आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये 17 तारीख की हम बात करें तो उस दिन सोमवती अमावस्या है, संक्रांति का पुण्य है और सावन का सोमवार है, सावन का द्वितीय सोमवार पड़ रहा है 17 तारीख के दिन, ये बड़ा शुभ स्थिति है। ऐसे में एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए, और जो भी काम करें उसमें थोड़ा सा सावधान रहते हुए कार्य करें। अपने पितरों के निमित्त आप एक काम करें, कुछ अन्न का दान करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, और हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है सोमवार के द्वितीय सोमवार के दिन, आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें 18 जुलाई की, तो 18 जुलाई को मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है और मलमास इस दिन से आरंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ रहेगा। ये जो पुरुषोत्तम मास है केवल किसी और कार्य के लिए प्रशस्त नहीं माना जाता, इस दिन कहा जाता है कि पूरे 30 दिन जो 28 दिन का महीना होता है इसमें विशेष तौर पर कोई नया मुहूर्त इत्यादि कार्य करना निषेध माना जाता है, केवल पुण्य यज्ञ इत्यादि ही कार्य करने, संक्रांति कथा इत्यादि का कार्य करना ही श्रेष्ठ संसार के अनुसार से माना जाता है। तो इनको अवश्य करने का आप प्रयास करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान करें, और विशेष तौर पर कुछ ना कुछ कल्याणकारी योग बने, धर्म कार्य करने से कल्याण के योग बनते हैं। ऐसे में ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपकी राशि के अनुसार से आपको बड़ी सावधानी के साथ सेहत का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, और अपने धन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बेकार के कामों में धन खर्च होगा और वो आपको बाद में परेशान करेगा, अभी तो आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा धन आपके हाथ से निकल रहा होगा तो आप उसमें ध्यान नहीं देंगे, लेकिन बाद में ये स्थिति दुख दे सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा कष्ट होने के योग बनेंगे। अब हम बात कर लें विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आगे बढ़ते हैं और ग्रहों का योग दिखाते हैं 19 तारीख का। 19 तारीख को बुधवार का अवसर है, उस दिन द्वितीया तिथि है और चंद्रमा जो है छठे भाव में आपके राशि के अनुसार से चल रहे हैं, छठे में वैसे ही बुध विद्यमान है उदय होकर, तो ये दोनों के दोनों ग्रह आपके हाथ से धन निकलने के योग बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि बेकार के कामों से इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करें, शत्रुओं से सावधान रहते हुए कार्य करें, आपके गुप्त शत्रु आपको हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। इस दिन चंद्र दर्शन होगा और चंद्र दर्शन करने के उपरांत अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 20 तारीख को ग्रह गणना दिखाती है कि उस दिन तृतीया तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और सिंह में विशेष तौर पर चंद्रमा का आगमन हो रहा है। ये सुबह की स्थिति आपके लिए थोड़ी भारी दिखाई देती है, 11 बजे के आसपास जब चंद्रमा का परिवर्तन होगा 10:58 पर, तो ग्रहों की स्थिति परिवर्तन की तरफ चली जाएगी, वो आपके लिए शुभ रहेगी, यानी सुबह थोड़ी भारी है, मध्याह्न के बाद से आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ऐसे में ग्रहों के अनुसार से आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य करते हैं, समय को समझते हुए कार्य करते हैं, तो उनके जीवन में सदा शुभ ही होता है, अशुभ अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष के माध्यम से हमें भविष्य को देखने की एक सुंदर दृष्टि प्राप्त है, तो उसके लाभ आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। हर बार हम ग्रहों की गणना के अनुसार से आपके समक्ष बहुत सारे रहस्यात्मक तथ्य रखते हैं, आशा करते हैं उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। फिर भी आपके मन में कोई शंका चल रही है तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न को हमें भेज सकते हैं, हम अवश्य उसका निदान देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।